लोकसभा चुनाव का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। दिग्गज जो है अपनी अपनी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं सभी की निगाहें पीएम मोदी और राहुल गांधी पर टिकी हैं। दोनों दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो इस रिपोर्ट में जानते हैं कि दोनों दिग्गजों की संपत्ति कितनी है। दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर एक जो कंपैरिजन किया गया वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया। हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया। उनके पास कुल 3,02,06,889 रुपए की संपत्ति है। अपना खुद का कोई घर नहीं है, इसी के साथ उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है। प्रधानमंत्री के पास कुल 52,920 रुपए नकद हैं, जबकि 2019 में उनके पास सिर्फ 38,750 रुपए ही नकद थे। वहीं स्टेट बैंक के गांधीनगर शाखा में 73,304 रुपए और वाराणसी शाखा में केवल 7,000 रुपए हैं। उनके पास 2,85,60,338 रुपए की स्टेट बैंक में एफडी है। 2019 में 1,27,81,574 रुपए एफडीआर था। उस समय उनके बचत खाते में सिर्फ 4,143 रुपए थे, लेकिन 2024 में 24,920 रुपए हैं। एक दशक पहले खरीदी गई 45 ग्राम की सोने की चार अंगूठी की कीमत 2,67,750 रुपए है, जबकि साल 2019 में दाखिल हलफनामे के अनुसार अंगूठी की कीमत 1,13,800 रुपए थी। इस तरह 5 साल बाद अंगूठी की कीमत 1,53,950 रुपए बढ़ गई। बैंक ने 2023-24 में उनके खाते में 3,33,179 रुपए आयकर और TDS काटा है। मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, 2019 में वो PM बने। उससे पहले वो 2001 से लेकर 2014 तक 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SSC बोर्ड गुजरात से साल 1967 में SSC की परीक्षा पास की थी। साल 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स और साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। अब बात करें राहुल गांधी की संपत्ति के बारे में, तो नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र के अनुसार राहुल के पास 55,000 रुपए नकद हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी कुल 20,39,00,000 रुपए के मालिक हैं। 15 मार्च तक चल संपत्ति 9,24,59,264 रुपए और अचल संपत्ति 11,15,02,598 रुपए है। राहुल गांधी पर 49,79,184 रुपए की देनदारी है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ 18 मुकदमे विचाराधीन हैं। एक मुकदमे में फैसला आया है जिसकी अपील विचाराधीन है। कुल बैंक बैलेंस 26,25,157 रुपए है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से MPhil की डिग्री प्राप्त की। वो फिलहाल केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। इस बार वो वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।